मित्रों नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन का परम पुनीत पर्व कब है और किस मुहूर्त में रक्षाबंधन का कार्य करें। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार को होगा। पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर के रात में 8:20 तक व्याप्त रहेगी। प्रायः आप देखे होंगे कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा की साया जरूर रहती है, जिस कारण से शुभ मुहूर्तों का अभाव रहता है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार भद्रा सुबह 8:28 तक ही है, उसके बाद से हमें शुभ मुहूर्त मिल जा रहे हैं। अब हम रक्षाबंधन का जो कार्य है किस मुहूर्त में करें कि शुभ फलों में वृद्धि हो जाए, तो पहली बात का ध्यान ये रखना रहता है कि भद्रा ना हो, दूसरी बात रहती है कि राहु काल ना हो, और उसके साथ ही साथ अच्छे नक्षत्र मिल जाएं और अच्छा योग मिल जाए, ग्रहों की स्थिति अच्छी मिल जाए और चौघड़ियां अच्छी मिल जाएं। तो क्या पूछना है, 4 चांद लग जाता है। तो इस वर्ष जो योग है आयुष्मान योग लग रहा है सुबह 7:33 के बाद, श्रवण 7:46 के बाद, और श्रवण नक्षत्र है 7:33 के बाद, राहु काल सुबह 9 बजे तक है। इस प्रकार यदि 9 बजे के बाद हम देखें दिन में, तो 9 बजे से लेकर के रात में 8:20 के तक न राहु काल है न भद्रा है, उत्तम संयोग मिल रहा है। अगर हम चौघड़ियों की बात कर लें कि शुभ चौघड़ियां मिल जाए जिसमें हम रक्षाबंधन का कार्य करें तो और अच्छा हो जाए। तो शुभ चौघड़ियां हमें कब प्राप्त हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं सुबह 9 बजे से लेकर के 10:22 के बीच में, सुबह 9 बजे से 10:22 के बीच में। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है दिन में 1:40 से लेकर के शाम को 6:37 के बीच में। यानी इस समय यदि हम रक्षाबंधन का पुनीत कार्य करें तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सुंदर चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं और शुभ मुहूर्त भी प्राप्त हो जा रहा है। इस दिन ग्रहों की जो स्थिति है उसकी भी बात कर लें हम, तो सूर्य बुध का योग बन रहा है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा है मकर राशि में, शनिदेव के साथ हैं, शनि भी मकर राशि में है, मंगल मीन राशि में है, बृहस्पति केतु धनु राशि में है, शुक्र राहु मिथुन राशि में है। इस दिन एक उपाय कर लेना, आपके जीवन में जो शुभता है वो अनंत गुना बढ़ जाएगी और आपके जो स्नेह है, भाई बहनों का जो स्नेह है वह अक्षय होता चला जाएगा। कौन सा उपाय करेंगे, तो इस दिन संयुक्त रूप से भाई बहन मिलकर के वृक्षारोपण जरूर करें। एक वृक्ष फलदार और एक वृक्ष पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर और नीम में से जरूर लगाएं सार्वजनिक स्थल पर। एक सोच विचार करिए कि जब अगला रक्षाबंधन आएगा और आप उस रास्ते से गुजरेंगे जहां आप सार्वजनिक स्थल पर लगाएंगे, तो आप याद करेंगे कि पिछले वर्ष हम भाई बहन मिलकर के यह पेड़ लगाए थे और इस वर्ष हम फिर लगा रहे हैं। तो पेड़ वृक्ष हो जाएगा 4, लेकिन स्नेह कि तुलना नहीं की जा सकती, कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार इस दिन संयुक्त रूप से यादगार के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के रूप में, प्रकृति देवक देवता के आशीर्वाद के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम करिए। इससे न केवल मन की शांति होगी अपितु आपकी कुंडली में विद्यमान जो ग्रही दोष है वह भी समाप्त होगा, ग्रहों को बल मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण से बुध ग्रह अत्यंत मजबूत होता है, इससे भावी जो जीवन है वह सुखमय होता है, संपन्नता युक्त होता है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए इस दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके, वृक्ष लगा करके इस दिन की शुभता को आप स्वयं बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। नमस्कार।